देशभक्ति जनसेवा के स्लोगन से जुड़ा पुलिस विभाग इन दिनों अपने अलग अंदाज में नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप से क्षेत्रवासियों को बचाने को लेकर पुलिस विभाग ने जिले के कप्तान सचिन शर्मा के निर्देशन और एडिशनल SP रेखा सिंह के मार्गदर्शन में कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इन दिनों बाजार और मुख्य मार्गों में सन्नाटे की स्थिति बनी हुई है। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिसिया कार्रवाई के दौरान यदि कहीं पुलिस मददगार नजर आ रही है तो कहीं कानून तोड़ने वालों को सजा देते हुए भी दिखाई दे रही है। थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि अब बाजार में बिना काम के घूमने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक बहुपयोगी सामानों की व्यवस्था बनवाई गई है ताकि आमजन सुरक्षित और सरल तरीके से दिनचर्या का सामान ले सके। पुलिस विभाग ने आमजन से अपील की है कि सभी लॉकडाउन की प्रक्रिया में सहयोग कर अपना योगदान दें। वायरस को लेकर के लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है और जो जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में गल्ला और फल फूल और जो आवश्यक सामग्री है दैनिक उपयोग की सभी उपलब्ध हैं। पाली प्रोजेक्ट, MPB और पाली में, इसलिए सबको अलग अलग नगर को अलग अलग आइसोलेट किया जा रहा है ताकि एक दूसरे से मिल ना सकें और कोरोना वायरस से सुरक्षा रहे। सब लोग में जागरूकता फैलाई जा रही है और इसमें सबसे अपील भी है कि सब अपने घरों में रहें, एक आदमी जाए और बच्चों और बूढ़ों को लेके बाहर ना आए क्योंकि इनमें ज़्यादा असर पड़ता है। और इस संबंध में कार्रवाई भी की जाएगी, अगर कोई पाया जाता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक कार्य से जो जा रहे हैं तो युक्ति कारण का आवेदन देते हैं, उसमें थाने से अनुशंसा होती है, उसके बाद फिर SDM साहब परमिशन देते हैं उसमें। और नगर में जनरली लोग जा नहीं रहे हैं, लोग जागरूक हो गए हैं अब।